दीपक, दीपक कौन? अरे सपना, रेडी हो गए? हाँ रेडी हो गया। अच्छा दीपक, तुम इस शहर में जब से आए हो ना, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो गया। पर मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है सपना। क्यों दीपक, क्या हुआ? इस जगह से मेरी दीदी ने मेरे लिए सपने देखे थे, और उन्होंने जो सपने देखे थे वो मेरे लिए तो साकार हो गए, पर दुख की बात यह है कि मेरी दीदी नहीं है मेरे साथ। और सपना, कानून ने मुझे इस जगह इसलिए भेजा है कि मेरी दीदी डाकू है और मुझे उसे गिरफ्तार करना है। दीपक, तुम अपनी दीदी को गिरफ्तार करोगे? क्या करूं सपना, कानून का ऑर्डर है। दीपक, उन दिनों को तुम भूल गए, आज तुम अपनी दीदी को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो। क्या करूं सपना? जब वो तुम इतने से थे, तुम्हें पाल पोस के तुम्हारी दीदी ने ही तुम्हें इतना बड़ा किया। दीपक, तुम कैसे गिरफ्तार कर सकते हो अपनी दीदी को? क्या नहीं किया तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए? दीपक, आज पुलिस की वर्दी में तुम खड़े हो ना, सिर्फ अपनी दीदी की वजह से। करना पड़ेगा सपना, करना पड़ेगा, क्योंकि कानून भी तो मेरे लिए कुछ है। एक तरफ कानून और एक तरफ मेरी दीदी, अब तुम ही बताओ कि मैं किधर जाऊं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है सपना, कि जिस ठाकुर की वजह से मेरी दीदी डाकू बनी, उसकी ही हिफाजत के लिए मुझे चुना गया है। और सपना, मैंने कई बार सोचा कि मैं इस नौकरी को इस्तीफा दे दूं, पर सपना, मेरी दीदी के वो लफ्ज़ जो मुझे वो बचपन में कहा करती थी, आज वो मुझे याद आ जाते हैं। कुछ कर भी तो नहीं सकता सपना मैं। और सपना, मैं उस कश्ती का ना खुदा हूँ कि एक तरफ मेरी बहन और एक तरफ मेरी नौकरी, अब तुम ही बताओ कि मैं किसे बचाऊँ। दीपक, दीपक सबर रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब, खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बढ़िया हो? बढ़िया हूँ ठाकुर साहब। वक्त का पहिया भी तो देखो किस तरीके से घूमा है। जिस जो तुम्हारी बहन मेरी वजह से डाकू बनी, मेरी वजह से उसे ये आतंकवाद झेलना पड़ रहा है, आज उसी बहन से मुझे बचाने के लिए तुम्हें मुझे मेरी रक्षा करनी पड़ रही है। ठाकुर साहब, वक्त वक्त की बात है, आज वक्त आपका है तो कल वक्त किसी और का होगा। ये मत भूलिए कि वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता, आज आपका है तो कल हमारा भी होगा। सही कहा, सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, सही कहा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि ठाकुर रंजीत को मारना और उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचना नामुमकिन है। चलो छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? कुछ नहीं। अरे खा लो, कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन ने जो सपना देखा था, आज उसे तुम पूरा करके आए हो। तुम इंस्पेक्टर बन गए हो और साथ में तुम मेरे लिए नियुक्त भी हो किए गए हो, और इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है? हमारे गांव का कोई बच्चा जब कानून के पास, जब इतने बड़े ओहदे पर जाएगा, तो इससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं प्राप्त होगी। बस ठाकुर साहब, हम तो दुश्मन के घर का एक गिलास पानी भी नहीं पीते। अरे बेटे, हम आपके दुश्मन कहाँ हैं, हम तो आपके अपने हैं। ठाकुर साहब, जिस दिन मुझे आपके खिलाफ कोई एक सबूत मिल गया ना, उस दिन पता चल जाएगा आपको। सपोले के भी पैर निकल आए, सपोले के भी पैर निकल आए, कानून के पर इसके क्या लगे, ये तो फंकार मारने लगा। लेकिन नहीं, ठाकुर रंजीत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तेरी बहन का मैं इतना बड़ा हश्र कर सकता हूं, तो सोच तेरे साथ मैं क्या करूंगा। सरदार, सरदार। गीता, अरे गीता बड़ी खुश लग रही है, क्या बात हो गई?
सरदार, खुशी की तो बात ही है सरदार। अरे आज मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया। जो बचपन में मैंने सपना देखा था आज वो पूरा हो गया। मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया? और बड़ी तमन्ना थी, ये आंखें बड़े दिन से तरस रही थी। बचपन में इन हाथों से उसे खिलाया और इन्हीं हाथों से उसे स्कूल के लिए भेजती थी तैयार करके। और आज आज मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया सरदार। आज मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसा मन कर रहा है कि जितनी गोलियां इस बंदूक में सबको आसमान में उतार दूँ। इतनी खुशी मिल रही है मुझे। आज ऐसा मन कर रहा है उसे देखने के लिए। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो कि मैं उसे देख भी नहीं सकती। बस गीता बस, ज़्यादा खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जितनी खुशी मना रही हो ना गीता, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का इस शहर में ट्रांसफ़र क्यों हुआ है? मुझे और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना गीता, डाकुओं का और कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। सरदार, उस ठाकुर को मैं छोड़ूंगी नहीं जिस ठाकुर ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए मैंने अपने भाई से आज तक कुछ नहीं बताया। हमेशा छुपा के रखा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और उसे जिस दिन ये पता चल जाएगा ना मेरे भाई को, वो खुद उसे नहीं छोड़ेगा। गीता, जिस ठाकुर की तू मारने की बात कर रही है ना, उसी ठाकुर की हिफाजत के लिए तेरे भाई को भेजा गया है ताकि तुझे और मुझे वो मार सके। क्या? हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होगा भी तो भी उसे कोई नहीं बचा सकता मेरे बंदूक की गोली से। गीता, हम डाकू और तेरा भाई कानून का रखवाला, अच्छा यही है कि ये रिश्ता यहीं खत्म कर दे तू। नहीं दादा, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं एक डाकू हूँ, लेकिन ये भी नहीं भूल सकती कि वो मेरा भाई है। और कैसे खत्म कर दूँ? उसे मैंने इन हाथों से पाला है, इन हाथों में खिलाया है दादा, कैसे? तो ये भी मत भूल, वो आज एक कानून का रखवाला है। दादा, ये मेरा सपना था कि मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बने। आज उसने मेरा सपना साकार किया, कैसे भूल जाऊं उस भाई को? भाई को? तो उस ठाकुर को भूल जाएगी जिस ठाकुर ने तेरी इज्जत के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। आज तू डाकू बनी है केवल उस ठाकुर से बदला लेने के लिए। गीता, ये मत भूल, हम डाकुओं का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ मैं मानती हूँ दादा कि हम डाकुओं का कोई रिश्ता या कोई ईमान धर्म नहीं होता, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर ठाकुर की जान जाएगी तो मेरे बंदूक की गोली से। दीदी, दीदी। अरे सपना, बस कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। दीपक कैसा है? बस कुछ मत पूछो दीदी, दीपक कैसा है? दीपक ने तो तुम्हें देखा भी नहीं ढंग से। दीपक को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। बस बचपन में ही देखा था उसे। मुझे पता है कि दीपक का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। हाँ दीदी। और कैसा है दीपक? बहुत अच्छा है दीपक। देख, लेकिन दीदी मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि दीपक की सारी खबर तो मुझे देती रहे, कैसा है कैसा नहीं है। वो बात ठीक है दीदी, लेकिन मैं आपके पास ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि मैं इतना जल्दी जल्दी आपके पास आऊँगी, कहीं दीपक को शक हो गया तो। ये भी बात सही कह रही है। तो अगर किसी दिन उसने मेरा पीछा कर लिया तो देख उसे सब कुछ पता चल जाएगा। दीदी मेरी बात सुन, कुछ भी हो जाए हमारे अड्डे तक का दीपक को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ अगर दीपक को पता लग गया
तो वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेके यहाँ आ जाएगा। हाँ समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ दीदी मैं समझ रही हूँ। और सपना मैं दीपक को तो नहीं देख सकती लेकिन हाँ तेरी आंखों से ही मैंने दीपक को बड़ा होते हुए देखा है। दीदी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं हूँ दीपक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। हाँ दीदी भरोसा रखिए। पास से तो आशीर्वाद नहीं दे सकती लेकिन हाँ तेरी आंखों में उसका चेहरा महसूस जरूर कर सकती हूँ। दीदी भरोसा रखिए भगवान पे, क्या पता आप दोनों बहन भाइयों को भगवान मिला दे। जब तक वो ठाकुर जिंदा है सपना, जब तक मैं चैन की नींद नहीं ले सकती, हर दिन हर पल मरती रही हूँ मैं और हर वक्त मेरे दिल में वही आग जलती रही है कि कब वो ठाकुर मिले और कब अपनी गोलियां उसके सीने में उतारूं। मैं समझ सकती हूँ दीदी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन दीदी तुम कर भी क्या सकती हो? उस ठाकुर के आगे पीछे पुलिस फोर्स लगी रहती है, उसके चारों तरफ रखवारी रहती है। दीदी वो कब तक बचेगा मुझसे? एक ना एक दिन तो मेरी बंदूक का शिकार जरूर बनेगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं दीदी, और जैसा भी बन पड़ेगा मैं आपका साथ जरूर दूंगी। सपना दीपक का ध्यान रखना। हाँ दीदी। और उसकी हर एक बात मुझे बताती रहना, क्योंकि तुम नहीं जानती कि इस वक्त मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। ना तो अपने भाई को देख सकती, ना ढंग से उसे प्यार कर सकती दीदी, ना उसकी नज़र उतार सकती कि वो पुलिस इंस्पेक्टर में लगता कैसा है। चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम जरूर देखोगे दीदी, जरूर देखोगे। अपना ध्यान, मेरा वादा है आपसे। ठीक है दीदी अब मैं चलती हूँ, कहीं कोई आ गया तो बहुत हो जाएगा। ठीक है दीदी अपना ध्यान रखना। ठीक है दीदी आती रहना। गीता दादा तुम्हारा इस लड़की से ज्यादा मिलना ठीक नहीं है। दादा ये लड़की ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो उसे। ये लड़की, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है ये लड़की किसी ना किसी दिन हम दोनों को मरवा के छोड़ेगी। दादा दुनिया में सभी लोग ठाकुर जैसे तो नहीं होते, और ये लड़की तो बिल्कुल मेरी अपनी है। ये लड़की मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती क्योंकि ये लड़की मेरे भाई से बहुत प्यार करती है। गीता 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 तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, तुम जज्बातों की लो में इतनी बह चुकी हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय अपने भाई के। नहीं दादा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जज्बातों में नहीं बहकी, और मुझे तो हर एक खबर का पता लगता रहता है उस ठाकुर की और मेरे भाई का। उसकी आंखों में ही बड़े होते देखा है मैंने अपने भाई को। तुम गीता मेरी बात को नहीं समझ रही, मुझे उस दिन का बहुत डर लगता है जिस दिन अगर पुलिस को हमारे बारे में मालूम पड़ गया ना तो हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं जानती हूँ दादा, जिस वक्त उस ठाकुर ने मेरी इज्जत लूट के जंगल में फेंक दिया था चील कौओं को मेरी लाश खाने के लिए, उस वक्त मैं जानती हूँ आपने ही सहारा दिया था मुझे। अगर आप एक नई जिंदगी नहीं देते तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होती। बहुत एहसान है दादा आपका मुझ पर, आपने मेरे ऊपर वो उपहार किया है कि कोई अपने के लिए भी ना करे। बस दादा एक और एहसान मेरे ऊपर कर दो, उस ठाकुर को मेरे कदमों में ले आओ। गीता ये होगा कैसे, तुझे पता है उस ठाकुर को उसके आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है ताकि ठाकुर के पास परिंदा भी पर ना मार सके। दूसरी बात गीता, तेरा जो भाई है ना वो उस ठाकुर की हिफाजत में लगा हुआ है, दिन और रात वो ठाकुर की हिफाजत करता है। दादा आपके लिए क्या काम क्या छोटा क्या बड़ा, आपके लिए तो सब एक जैसा है, और आपके लिए कौन सा ज्यादा बड़ा खेल है ये? आपने तो 50-50 आदमियों ने घुस के मुजरिमों को अपने कदमों में ले आए, तो ये ठाकुर कौन सी बड़ी चीज है दादा? ठीक है गीता, मैं
जब और लोगों का किया है तो अब मैं इस ठाकुर का भी कुछ करता हूँ। बस दादा, बस एक आखिरी उपहार और मेरे ऊपर। तू चिंता मत कीजिए गीता, तेरा बदला मेरा बदला। क्योंकि दादा, गलत कानून के साथ नहीं, गलत मेरे साथ हुआ है। वो बात चल ठीक है, कानून एक काम कर, देगा उसे। सुन, खाना रखा है, खाना खा ले। ठाकुर के बारे में मैं सोचता हूँ कुछ, तू चल खाना खा ले। चल गीता, इस ठाकुर के लिए भी जाल बिछाना ही पड़ेगा। गीता, मेरा ये तुझसे वादा रहा, चाहे इस लड़ाई में मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन तेरा ये बदला जरूर पूरा होगा। वो ठाकुर तेरे ही हाथों से मारा जाएगा। ठाकुर साहब आ गए। इंस्पेक्टर जी। ठाकुर साहब, अपनी नाकामयाबी का तोहफा लेकर। मतलब? मतलब कि अब सारा मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उन डाकुओं को पकड़ना था, क्योंकि मैं अपने घर में से बाहर तक नहीं निकल पा रहा हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, कहीं आ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कितना कारोबार में नुकसान हो रहा है तुम्हें पता भी है। पर ठाकुर साहब, कुछ दिन की मोहलत मांगूंगा अभी भी, क्योंकि अभी वो लोग पकड़ में नहीं आए हैं मेरे। बस मुझे पता है ये तुम्हारी एक चाल है, क्योंकि वो डाकू तुम्हारी बहन है, इसीलिए तुम अभी तक कोई काम पूरा करके नहीं दे रहे। और तुम मुझे पता है, तुम मुझे इसीलिए मेरे घर के बाहर नहीं जाने दे रहे, मुझे निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि तुम सही मौका ढूंढ रहे हो मुझे मारने का। नहीं ठाकुर साहब, ये मौका निकलने के लिए ठीक नहीं है आपके लिए। पर अभी वो डाकू शांत नहीं हुए हैं, क्या पता आप इस समय अगर घर से बाहर निकले भी तो क्या पता आपको मौत के घाट उतार दिया जाए। देखो इंस्पेक्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरा कारोबार में इतना नुकसान हो रहा है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ठाकुर साहब, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर, शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरा घर है। मैं कानून की इज्जत जरूर करता हूं, लेकिन कानून मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता, मुझे इतनी बड़ी बंदिशों में नहीं बांध सकता। इंस्पेक्टर, तुम कुछ भी करो और जल्दी से जल्दी उन डाकुओं को गिरफ्तार करो, क्योंकि उनके डाकुओं के गिरफ्तार होने के बाद ही तुम मुझे आज़ादी का मौका दोगे, और मैं अपनी आज़ादी जल्द से जल्द चाहता हूं। ठीक है ठाकुर साहब। रुको इंस्पेक्टर, एक बात और। कही ठाकुर साहब। मुझे अपनी दोस्त की पार्टी में जाना है। क्या मतलब? आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मुझे उस पार्टी में जरूर जाना पड़ेगा। नहीं ठाकुर साहब, हम आपको अपनी बिना इजाजत के कहीं भी नहीं जाने देंगे, और अभी आपके लिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और हाँ ठाकुर साहब, जब तक वो गीता डाकू नहीं पकड़ी जाती तब तक आप कहीं भी किसी भी पार्टी या बर्थडे में नहीं जाएंगे। वाह वाह इंस्पेक्टर वाह, घर का बेदी लंका ढाए और सारा नुकसान हम झेले। नहीं, तुम्हें गीता डाकू को पकड़ना है ना, तरीका मैं तुम्हें बताए देता हूं। तुम्हारी जो प्रेमिका है ना, तुम्हारी महबूबा सपना, जाओ उससे। क्या है? जाओ तो सही, उससे जाके पूछो कि गीता डाकू कहाँ है, क्योंकि गीता डाकू का असली पता तुम्हारी प्रेमिका को पता है, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका चुप चुप कर उससे मिलने जाती है, उन डाकुओं के अड्डे पर मिलने जाती है, और आज से नहीं, कम से कम 10 सालों से, जब से तुम्हारी बहन डाकू बनी है। पर ठाकुर साहब, सपना मुझसे ये सब नहीं छुपा सकती। सही कह रहे हो कि सपना तुमसे ये सब कुछ नहीं छुपा सकती। सपना ही सब कुछ छुपा रही है, और इस बात को तुमको मानना पड़ेगा इंस्पेक्टर। अगर बात ऐसी है ठाकुर साहब, तो मैं अभी जाकर के उससे पूछता हूँ। पूछना मत, सीधे उससे जाकर और उसे पकड़ो और उससे कहो कि मेरी बहन कहाँ है, उन डाकुओं का अड्डा कहाँ है। जब तुम उसे धमकाओगे तब वो तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूं। मेरा पासा सही पड़ा, मेरा पासा सही पड़ा। अब गीता को अपने घुटनों के बल आना ही पड़ेगा, और साथ में
जिसने उसका साथ दिया उसका उस कुत्ते का तो मैं वो हासिल करूंगा कि वो भूल जाएगा अगली बार से किसी को सहारा देना। सपना, सपना। अरे दीपक, तुम आज मेरे घर पे क्यों? याद आ रही थी क्या? याद नहीं सपना, मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूँ तुमसे। क्या हुआ दीपक, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मेरी बहन का पता बता दो। आपको पता है ना मेरी बहन कहाँ है इस वक्त? मुझे क्या पता? बहकाओ मत सपना मुझे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रेमी हूँ, पर उससे पहले कानून है मेरे लिए। बता दीजिए जल्दी मेरी बहन कहाँ है। दीपक तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सपना, इससे पहले कि मैं तुम्हें, दीपक मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ है। सपना मुझे ठाकुर ने बताया है कि मेरी बहन का पता तुम्हारे पास है। तो ये ठाकुर की चाल है? तो ठाकुर ने तुम्हें भड़काया है मेरे खिलाफ, है ना? बता दो सपना, तुम मुझे प्यार करती हो? करती हो ना? हाँ दीपक बहुत। सर पे हाथ रखो, हाथ रखो सर पे। क्यों दीपक? मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, सर पे हाथ रखो। हाँ दीपक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि मेरी बहन कहाँ है। दीपक मैं मजबूर हूँ। सपना ये बात तो तुम भी जानती हो, कोई एक भाई के लिए एक बहन कितनी प्यारी होती है। और सपना मेरा मिलने का मतलब मेरी बहन से ये नहीं कि मैं एक पुलिस वाला बन गया हूँ तो इस वजह से, पर मैं एक अपने भाई होने के नाते जिसने मुझे छोटेपन से पाला, जिसको मैं जो सपने साकार हुए थे उनको दिखाना चाहता था। सपना अगर तुम्हें पता है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ सपना तुम्हारे आगे, मेरी बहन से मिलवा दो मुझे। सपना मिलवा दो। दीपक क्योंकि देखो सपना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, बस एक मेरी बहन है। दीपक लेकिन तुम अपनी बहन से सिर्फ बातें करोगे, मिलोगे, उसे गिरफ्तार नहीं करोगे। दीपक नहीं करूंगा सपना, तुमने मेरी कसम खाई है दीपक। बस मुझे मेरी बहन दिखवा दो एक बार। हाँ दीपक मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से जरूर मिलाऊंगी। चलो दीपक मैं तुम्हारी बहन से मिलाने चलती हूँ। चल दीपक। हाँ सपना। तुम अभी यहीं रुको, मैं गीता दीदी को बुलाने जाती हूँ। ठीक है ठीक है, रुको यहीं। गीता दीदी। दीदी। अरे सपना तुम? हाँ दीदी कैसे? तुम अचानक कैसे आई? बस आपसे मिलने का दिल किया तो मैं आ गई। अरे पगली तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ ऐसे अचानक आने का वो नहीं है। वो मुझे पता है दीदी, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी डाकू ने तुम्हारे ऊपर गोली चला दी तो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है यहाँ आने वाला भी पैर छीक छीक के कदम रखता है यहाँ पे। दीदी वो बात ठीक है, लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। दीदी मजबूरन मतलब? समझ नहीं पाई मैं कुछ। मतलब ये है कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है दीदी। क्या? हाँ और वो बाहर ही खड़ा है वो। ये क्या क्या सपना तुमने? तुम उसे यहाँ तक कैसे लेके आई? मेरी बात समझ। मैंने अरे मैं क्या सुनूं तुम्हारी बात, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम यहाँ कभी उसे यहाँ का पता कभी मत बताना और तुम यहाँ अड्डे तक लेके चली आई उसे। अरे मेरी बात समझने की कोशिश। अरे क्या समझूं तुम्हारी बात सपना, तुमने तो खुद मुझे धोखा दे दिया। अरे तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं था उसे तुम यहाँ तक लेके चली आई? तुम नहीं जानते हो पहले मेरा भाई होने से पहले वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, दीपक ने मेरी कसम खाई है दीदी। तुम नहीं जानती, तुम उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हो कि उसे सिर्फ तुम उसके प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता तुम्हें। तुम नहीं जानती उसे। दीदी वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आज मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं? चली जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। दीदी प्लीज दीदी एक बार उसे मिल लो, वो आपको मिलने के लिए तड़प रहा है। दीदी क्या मैं अपने भाई के लिए नहीं तड़पती? लेकिन क्या मैं मिलने नहीं जा सकती थी उससे? लेकिन मैं नहीं गई। दीदी
कुछ भी हो, लेकिन दीपक तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ तुमसे मिलने आया है दीदी। चलो दीदी, मेरे कहने से एक बार मिल लो। चलो दीपक। हाँ दीदी। दीदी मेरा दीपक कितना बड़ा हो गया, मेरा भाई तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी दीदी। पर दीदी एक बात बताओ, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? और दीदी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम उस ठाकुर के पीछे पड़ी हुई हो? बताओ दीदी, बताओ मुझे। मेरे साथ दीदी, दीपक, दीपक। हाँ तुम्हें पता है उस ठाकुर ने दीदी के साथ क्या किया था? उस ठाकुर ने दीदी की इज्जत लूटी थी। हाँ दीपक, उस ठाकुर की इतनी मजाल, और इसी वजह से दीदी को डाकू बनना पड़ा। मेरी दीदी से उस ठाकुर की इतनी हिम्मत? दीदी तुम चिंता मत करो, अगर उस ठाकुर ने ऐसा किया है तो उसकी सजा कानून जरूर देगा। बस, अरे इज्जत तो मेरी लूटी गई थी, कानून के संग कोई ज्यादती नहीं हुई थी, जो कानून उसे सजा देगा। अरे मर्यादा और शर्म और लिहाज सब मेरी टूटी गई थी, कानून की नहीं, जो कानून उसे सजा देगा। पर दीदी कानून भी तो कोई चीज है। हाँ, क्योंकि तू भी तो कानून का रखवाला है ना, और जिस बहन की इज्जत लूटी, अरे इज्जत लूट के जंगलों में फेंक दिया गया था, अरे मेरी लाश को चील कौओं के हवाले कर दिया, बुरी तरह से मुझे खा जाते। आज तू उसी ठाकुर की हिफाजत में लगा हुआ है, शायद तू भूल गया है। अरे मैं तो एक लाश बनी चुकी थी, लेकिन अगर एक फरिश्ता उसमें जान ना डालता तो, अरे इतनी बड़ी जो आज तेरे सामने मैं जिंदा खड़ी हूँ, वो सिर्फ दादा की वजह से। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी, आज उन्हीं की वजह से मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, वरना इस दुनिया में तेरी बहन होती ही नहीं। नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए। और हाँ, चाहे पूरे मुल्कों की पुलिस क्यों ना लग जाए उस ठाकुर की हिफाजत में, लेकिन मेरे सर पे जो कफन बना है ना, वो इसीलिए नहीं बना। और हाँ दीपक, कितनी भी कोशिश कर ले तू, उस ठाकुर को मुझसे नहीं बचा सकता। दीदी तुमको कानून के हवाले करना होगा अपने आप को। दीपक, दीपक से क्या बोल रहे हो दीपक? बस, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। लेकिन दीपक तुमने मेरी कसम खाई थी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे लिए कसम से बढ़ के कानून है सपना। और सुन लो सपना, मैं अपनी दीदी की बलि तो दे सकता हूँ, पर कानून की नहीं। क्या बोल रहे हो दीपक? सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है दीपक, तू अपना फर्ज अदा कर और मैं अपना बदला पूरा। दीपक। थैंक यू सपना। दीपक। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। आ गए इंस्पेक्टर? हाँ आ गया। कहाँ है गीता? जी तो चाहता है कि तेरे सीने को छलनी कर दूं गोलियों से, पर अफसोस कि मैं कानून के बंधुए में बंधा हुआ। यही ख्वाहिश तुम्हारी बहन लेके आई थी, लेकिन वो भी पूरा ना कर सकी। वो तो मेरी मजबूरी है कि कानून की बंदिशों में तो मैं बंधा हुआ हूं कि मुझे इस घर में ना चाहते हुए भी रुकना पड़ रहा है। ठाकुर भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो, भूल रहे हो तुम। भूल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, तुम अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, हो चुका हूं मैं अंधा, हो चुका हूं मैं अंधा। मतलब कि तुम अपनी फर्ज से दूर जाओगे? जिस कानून ने तुम्हें अच्छा सच्चा ईमानदार बनाने की कोशिश की, उस कानून से बैर करोगे?
कानून का मुजरिम तो तू भी है ठाकुर। तूने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? मुझे लगता है गीता ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अच्छा है, अच्छा है तुम्हारे लिए जी ये भी जानना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था। लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मुझे गुनहगार ठहरा रहे हो? ठहराऊंगा गुनहगार? सबूत है मेरे पास, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि तुमने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया। और ठाकुर एक बात याद रखना, जो वक्त जा रहा है तेरा वो जा ही रहा है। जिस दिन जो सबूत मेरे हाथ लगे ना, उस दिन से तेरी उल्टी गिनतियां शुरू। मेरी उल्टी गिनती शुरू करेगा? ठाकुर रंजीत की उल्टी गिनती शुरू करेगा? ये सपोला नहीं जानता कि इसके पूरे घर के खानदान के धन मैंने अपने पैरों तले कुचले हैं, और मुझे लगता है ये सपोला भी अब मेरे ही हाथों मरेगा। दादा दादा, तुम्हें पता है आज दीपक आया था, मेरे भाई। मैंने सब देखा है, सब देखा है मैंने। गीता, तुमसे मना किया था ना मैंने? मना किया था इस लड़की को अपने पास मत बुलाओ, और आज उसके साथ तुम्हारा वो इंस्पेक्टर भाई भी आया। मैं दूर खड़ा हुआ, वो देख सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था कि तुम्हारा भाई किस तरह तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। उससे उससे मतलब नहीं, उसे उसको केवल कानून प्यारा है। कानून के रखवाले केवल कानून की बात करेंगे, हमारे हित की नहीं। तो दादा आपने सुना नहीं, मैंने भी उससे कह दिया कि जितनी हिफाजत करनी है उस ठाकुर की कर ले, लेकिन तू मुझसे नहीं बचा सकता उसे। गीता, उसे तो मैं मौत के घाट उतार के रहूंगी। गीता वो तो सब सही है, तुमने अपने भाई से कहा ठाकुर के बारे में, तुम्हारे भाई ने ठाकुर से कहा होगा, और ठाकुर सतर्क हो जाएगा। वही तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुमने अपने भाई को ये अड्डा दिखा के अच्छा नहीं किया। दादा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं दीपक यहाँ पुलिस लेके हमें चारों तरफ से ना घेर ले। अब इस बात को अब सोच रही हो तुम? तो सुन गीता, इससे पहले कि देर हो जाए, हम लोगों को खुद ठाकुर की हवेली पे जाके ठाकुर को मारना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहा होगा हमें पकड़ने के लिए, और ठाकुर की हवेली पे कोई भी नहीं होगा। हाँ दादा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। इस वक्त वो ठाकुर अकेला होगा, और यही सुनहरा मौका है हमारे पास दादा। अगर अभी उसके सीने को अपनी गोलियों से छल्ली नहीं किया तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। दादा दादा कुछ भी करिए दादा, चलिए मेरे साथ दादा। चलो चलो। ठाकुर साहब, अरे बेहड़ में गीता आ गई है। बहुत अच्छा किया दुर्गा, तुमने ये सब बता के तुम जा सकती हो। वो मुझे मारने आ रही है, वो जानती नहीं कि वो ठाकुर रंजीत से भिड़ने आ रही है। इससे पहले कि वो आए, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। गीता, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। जागीरा, मेरे पुराने वफादार कुत्ते, मुझे पूरा भरोसा था तू ही मेरे खिलाफ रंजिश कर सकता है, लेकिन आज गीता के साथ तेरी भी मौत लिखी है। ठाकुर, मैं तो वफादार था, लेकिन तूने भी अपनी कुत्तागिरी से बाज नहीं आया। क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने जो तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? मुझे मेरी वफादारी याद दिलाता है मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरी ज्योति खाने वाला, आज इस लड़की के साथ मिलकर मुझे मेरी मौत का खौफ दिखाता है। पहले तो ये मरेगी। नहीं! गीता, मीने ठाकुर, दादा, 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 कुछ नहीं होगा दादा तुम्हें, दादा कुछ नहीं होगा। आ, 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 आ,
गीता, कुछ नहीं होगा तुम्हें दादा, आप मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते दादा। मेरी बहन, आपने मुझसे वादा किया था आप मेरा जिंदगी भर साथ देंगे दादा। दादा आपके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है दादा। गीता नहीं दादा, दादा आज आज तूने इस ठाकुर को मार के अपना बदला पूरा कर लिया दादा। नहीं, और मेरा साथ यहीं तक था मेरी बहन। नहीं दादा, दादा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो दादा। अब आपने आपने मुझसे वादा किया था दादा कि आप कैसे छोड़ के जा सकते हो दादा। आपको कुछ अब नहीं, तो एक काम कर, अपने भाई को, अपने आप को अपने भाई के हवाले करके। नहीं दादा, अपना जीवन आपने खुशी खुशी बिता। आपने मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों उस ठाकुर की जान लेके अपने आप दोनों कानून के हवाले अपने आप करेंगे। मेरा गीता, मेरा समय आ चुका। गीता भैया, मेरा बदला पूरा हुआ। क्या मतलब? और आज से मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश हूँ। भैया ले चलो मुझे, और मेरे जो मैंने ठाकुर को मार के कानून के नियम तोड़े। कैसे ले जाऊं दीदी, जिस बहन ने मुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, उसी बहन को मैं पकड़ के ले जाऊं? कोई बात नहीं भैया, ये तो एक दिन होना ही था। मैंने माँ और बाबूजी का सपना पूरा किया, तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। आज माँ और बाबूजी तुझे देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। हमेशा और मेरा भी यही सपना था कि तू एक सच्चा और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बने। और भैया मेरा बदला पूरा हो गया। बस मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद था ठाकुर को मारना, और वो मैंने कर दिखाया। अब तू अपना फ़र्ज अदा कर, तेरे फ़र्ज के आगे रिश्तों को एक तरफ रख के अपना फ़र्ज देख। और हाँ, सपना का ध्यान रखना, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरे प्यार की खातिर तो वो हड्डी तक लेके गई। दीदी, दीदी।